हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रल स्टडीज ऑफ D7 मेटल आयन। तो हम D7 मेटल आयन का स्टडी करने वाले हैं, स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। तो इसके लिए हमको कॉम्प्लेक्स गिवन है दैट इज CO(H2O)6 2 पॉजिटिव। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद सेंट्रल मेटल एटम। सो अवर सेंट्रल मेटल एटम इज कोबाल्ट। सेकेंड इज आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कोबाल्ट एटॉमिक नंबर इज 27। तो ये हो जाएगी 3D7 4S2। ये 7 होता है, 7 को हम फिल करेंगे D में, 4S2। अब हमको चाहिए यहाँ पे कोबाल्ट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो ये हमने लिखा CO(H2O)6 2 पॉजिटिव। तो हमको कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, तो इसको हम लेट कर लेंगे X प्लस 6 H2 आर देयर। सो 0 इस पे चार्ज हो जाएगा क्योंकि दिस इज अ न्यूट्रल लिगेंड, दिस इज इक्वल्स टू +2। सो X आ जाएगा हमारे पास +2, मतलब कोबाल्ट हमारे पास कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, +2। तो कोबाल्ट +2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर देंगे। सो आ जाएगा 3D7 4S0। तो हम स्पेक्ट्रा स्टडी करने वाले किसका, जहां पे हमारे पास d ऑर्बिटल्स के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। थर्ड पॉइंट में हम यहाँ क्या लिखते हैं, हमारे पास ये d ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4 5। 5D ऑर्बिटल्स हैं, ये क्या होते हैं, यहाँ पे WD जनरेट होगा, ये ट्रिपली डी जनरेट होंगे हमारे पास। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। सो 1 देन 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब क्या स्टार्ट होगी, पेयरिंग 6 7। तो इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे फिल करते हैं हम, ये होता है हमारे पास T2G, दिस इज EG। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ये हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो सबसे पहले हम टर्म सिंबल निकाल लेते हैं, फिर हम इसकी ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट लिखेंगे, ठीक है। तो टर्म सिंबल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले S की वैल्यू निकालते हैं। S क्या होगा, अगर हम यहाँ से देखें, सो +1/2 -1/2 0 लिख दें इसके लिए, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे +1/2, यहाँ पे भी +1/2 और एंड देन लास्ट ऑर्बिटल में भी +1/2। सो स्पिन क्या आ जाएगी हमारे पास, 3/2। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है हमारे पास, 2s प्लस 1। एस की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2 × 3/2 + 1। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2s प्लस 1 की 4। नेक्स्ट में हम निकालेंगे L की वैल्यू। L कैसे निकालते हैं हम, L की वैल्यू जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम ऐड करते जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए +2, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑल्सो +2, देन नेक्स्ट इज +1, देन 1 मोर इज +1, देन +0, -1 -2। तो अब ये -1 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 + 1 3। L की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे J की वैल्यू, J को हम बोलते हैं L + S। L की वैल्यू 3 है, S की वैल्यू 4, हमारे पास J की वैल्यू आ गई 7। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे टर्म सिंबल हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे L 2s + 1, यहाँ पे लिखेंगे J की वैल्यू। L क्या है हमारे पास, L की वैल्यू है 3। सो 3 के लिए हमारे पास क्या टर्म आ जाएगा, 0 1 2 3 4। हमारे पास यहाँ पे L की वैल्यू है एंड हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं S P D F। तो हमारे पास 3 के लिए आ जाएगा क्या, F। तो हम लिखेंगे F, 2s + 1 की वैल्यू है हमारे पास 4, J की वैल्यू हमारे पास क्या है 7। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा,
टर्म सिंबल, ये ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आ जाएगा। इसके साथ हमको पता है कौन सा स्टेट सिंबल भी होता है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट सिंबल भी प्रेजेंट होता है, वो क्या होगा 4P, 4F के साथ होता है 4P। तो यहां से हमने टर्म सिंबल निकाल लिया। अब हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट किस तरीके से प्रेजेंट होगी, एक्साइटेड स्टेट किस तरीके से प्रेजेंट होगी। तो हमारे पास dxy, dyz, dzx2 इस तरीके से हमारे पास ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 -y2, dz2। ठीक है, कंडीशंस हो सकती है डिफरेंट डिफरेंट, dyz, dzx, dx2 -y2, dz2, dxy, dyz, dzx, dx2 -y2, dz2। हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास dxy, dyz, dzx है, यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे एक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स, टू ये वन, यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे भी वन। अब कंडीशन क्या हो सकती है, अब अगर हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दिया तो dxy में वन हो गया, यहाँ पे टू, देन टू, यहाँ पे हमारे पास वन ही है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, या फिर कंडीशन क्या हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट में एंड थर्ड में, सो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। सो यहाँ पे हमारे पास टू, यहाँ पे वन, देन टू, सो ये तो हो गई हमारे पास ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। अब हम एक्साइटेड स्टेट देख लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। तो यहां पे भी दो कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं, एक्साइटेड स्टेट dxy, dyz, dzx, dx2 -y2, dz2, dxy, dyz, dzx, dx2 -y2, dz2, dxy, dyz, dzx, dx2 -y2, dz2। अब हमने बोला था यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट है, टू टू वन वन वन, टू टू वन वन वन, यहाँ पे हमारे पास वन है, यहाँ पे हमारे पास टू वन टू वन वन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है जहां पे सिंगल है, ये क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट से एक्साइट होकर चला गया हायर लेवल में, तो ये चला गया यहाँ पे, यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे हो गए जीरो। इसी तरीके से ये सिंगल इलेक्ट्रॉन था, ये भी जंप होके जा सकता है यहाँ पे, इसी तरीके से सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये जंप होके चला गया यहाँ पे। ठीक है, एक और कंडीशन आ सकती है जिसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन था जंप होके चला जाए dz2 में, या फिर हम ये बोल सकते हैं इन शेल में से भी कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जंप कर सकता है हायर एनर्जी स्टेट में। तो हम एक स्टेट और लिख लेते हैं यहाँ पे dxy, dyz, ये तो हमारे पास एक कंडीशन हो गई, dzx, dx2 -y2, dz2। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास चला गया है dz2 में। तो तीनों केस हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2 -y2, dz2, dxy, dyz, dzx, dx2 -y2, dz2। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे टू वन इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे हमारे पास वन इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे टू थे, सो ये वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये जीरो हो गया, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन dz2 में। अब यहाँ पे हम टू टू इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे और अदर जगह पे हमारे पास सेम रहेंगे, यहाँ पे दो थे, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे टू, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ से जंप होकर dz2 में चला जाएगा, ये भी टू। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ गई, एक एक्साइटेड स्टेट आ गई, दोनों कंडीशन में से हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप हो रहा है, कौन सा, अगर ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जंप होके जा रहा है आइदर दिस और दैट, तो ये वाली भी हमारे पास कंडीशन हो सकती है। किस तरीके से, dxy, dyz, dzx,
डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर डी जेड स्क्वेयर। हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे एक एक एक। इसी तरीके से सेकंड कंडीशन भी हम सेम ले रहे हैं। अब क्या हुआ, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था एक यहाँ से जंप करके चला गया डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर में, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला गया डी जेड स्क्वेयर में, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्साइटेड स्टेट आ जाएगी। अब किस तरीके से हम एक्साइटेड स्टेट एंड डाउन स्टेट को बनाएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको पता है, हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे ट्रांजिशन किस तरीके से हो रही है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे हो रही है। तो हमको पता है ये कौन सी स्टेट के लिए है, डी सेवन स्टेट के लिए है। तो हमको पता है इसके लिए हमको कॉम्प्लेक्स वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास एनर्जी लेवल था, यहाँ पे हम टी वन जी पी बनाते हैं, पी स्टेट की जो स्प्लिट नहीं करती है टी वन जी पी, ठीक है। फिर हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि हमारे पास आएगी टी वन जी की, ये हमारे पास इस तरीके से हमने लाइन ड्रॉ करी, ये आ गई हमारे पास टी वन जी, ये एफ स्टेट की होगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे ऊपर लाइन जाएगी जो कि किसकी होगी, ए टू जी एफ स्टेट की, तो यहाँ पे भी होगी ए टू जी एफ स्टेट की, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये जो टी वन जी है और ये वाली टी वन जी, इसके बीच में एक टी टू जी स्टेट प्रेजेंट होती है, टी टू जी एफ स्टेट की, टी टू जी एफ स्टेट की। अब हमको ये देखना है डी सेवन के लिए, तो हम लिखते हैं यहाँ पे डी टू डी सेवन, यहाँ पे डी टू डी सेवन आता है, यहाँ पे डी थ्री डी एट के लिए। तो डी टू डी सेवन का ये वाला हो सकता है, बट हम यहाँ पे फील्ड कौन सा ले रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे हमारे पास आता है टेट्राहेड्रल फील्ड, ये आता है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड, यहाँ पे आएगा हमारे पास डी टू डी सेवन का कौन सा फील्ड, ऑक्टाहेड्रल, और ये हमारे पास आएगा डी थ्री डी एट का टेट्राहेड्रल फील्ड। हम कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे, हम डी सेवन का ले रहे हैं ऑक्टाहेड्रल में, तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे, इसको हम क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं यहाँ से, ये हमने इरेज कर दिया। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर किसका आ गया, हमारे पास आ गया है डी सेवन मेटल आयन का इन ऑक्टाहेड्रल फिल। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे बेरी सेंटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा सिक्स डी क्यू, ये वाला हमारे पास होगा 2dq एंड ये वाला होगा हमारे पास 12dq, 12dq, ठीक है। अब ट्रांजिशन कैसे हो सकता है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन हमारे पास 4 आई थी, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, 4t1gf, ये 4t2gf, 4t1gp, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 4a2gf। ट्रांजिशन कौन सी हो रही है, टी वन जी से लेके हो सकती है टी टू जी में, इसको हमने बोल दिया न्यू वन। सेकेंड हो सकती है हमारे पास कौन सी, पी स्टेट में। फिर थर्ड हो सकती है हमारे पास ए टू जी में। तो यहाँ पे हमें कितनी ट्रांजिशन देखने को मिली, 1 2 3, अगर 3 ट्रांजिशन देखने को मिली है तो हमको यहाँ पे 3 पीक्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये ग्राउंड स्टेट है इसका नाम हो जाएगा टी वन जी एफ, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट ये हमारे पास आ जाएगी टी टू जी एफ, और ये वाली हमारे पास आ जाएगी ए टू जी एफ, और यहाँ पे हम लिख देंगे 4, यहाँ पे भी 4 एंड देन 4, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, पीक्स देखते हैं कि किस तरीके से हैं, यहाँ पे पीक्स फॉर्म होंगी। तो हमारे पास हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं मोलर एब्जॉर्बेंस एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में, फ्रीक्वेंसी। तो हमको यहाँ पे 3 पीक देखने को मिलेगी, सबसे पहले पीक हमको देखने को मिलेगी 8000 पे,
सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंड पीक हमको देखने को मिलेगी, सेकेंड पीक हमको हाफ लाइक दिस हमको देखने को मिलेगी, ये होगी हमारे पास 19,400 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड लास्ट ये जो हमको पीक देखने को मिल रही है, देखने को मिलेगी 21,600 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरीके से हमको थ्री पीक्स देखने को मिलेगी D7 ऑर्बिटल ऑर्गन डायग्राम के अंदर। तीन ट्रांजिशन किस तरीके से हो रही है हमने ये भी देख लिया ऑर्गन डायग्राम की हेल्प से। तो आपको सिर्फ करना क्या है, एक ऑर्गन डायग्राम स्टडी करना है, उसकी हेल्प से हम D1, D2, D3, D4, D5, D6 सब मेटल आयन का क्या देख सकते हैं, स्पेक्ट्रम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन क्या होगा, जब हमने D7 मेटल आयन के लिए स्पेक्ट्रम स्टडी किया तो हमने देखा यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है T1G लेवल में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4T1G लेवल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये कौन से स्टेट में जा सकता है, 4T2G F में जा सकता है। और ये हमको स्पेक्ट्रम कितने सेंटीमीटर इनवर्स पे शो करेगा, ये हमको स्पेक्ट्रम शो करेगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। सेकेंड ट्रांजिशन कौन सी हो रही है, 4T1G F से किसमें जा रही है, 4T1G P में जा रही है। और ये आपको कहां देखने को मिलेगी, 19,400 सेंटीमीटर इनवर्स। लास्ट ट्रांजिशन हमको कहां पे देखने को मिल रही है, 4T1G F से 4A2G F, ठीक है, ये हमको मिलेगी 21,600 सेंटीमीटर इनवर्स पे। तो ये तीन ट्रांजिशन हमको देखने को मिल रही है, ये हमारे पास ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। सो यही था आज का हमारा टॉपिक, होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।